आज घोड़े और गधे में बहस हो गई। घोड़ा कहता है घास हरी है, गधा कहता है घास नीली है। अब घोड़े ने उसे बहुत समझाया बट गधा भी जिद्दी, वो माना ही नहीं। तो घोड़े ने कहा कि चलो ठीक है, महाराज के पास चलते हैं, अब वही डिसाइड करेंगे। अब दोनों जने महाराज के पास पहुंचे। गधे ने जाते ही बोला कि महाराज घास नीली होती है ना। महाराज ने कहा हाँ, और घोड़े को पनिशमेंट दे दी। अब घोड़े ने पनिशमेंट तो ले ली बट उसके मन में आया कि मैं एक बार महाराज से जरूर पूछूंगा क्या घास सच में नीली होती है या हरी होती है। उसने पूछ लिया। महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा घास हरी होती है। तो घोड़ा कहता फिर आपने मुझे पनिशमेंट किस बात की दी। अब जंगल का राजा शेर वो कहता पनिशमेंट तुम्हें इस बात की नहीं मिली कि घास हरी है या घास नीली है, पनिशमेंट तुम्हें इस बात की मिली कि तुम खुद इतने बुद्धिमान हो, इतने ताकतवर हो, तुमने एक गधे से बहस करी। बहस करी वो तो छोड़ो, फिर तुम उसे मेरे पास ले आए, मेरा भी तुमने टाइम वेस्ट किया। और गधों को समझाने का कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि घास नीली होती है। तो दोस्तों बहुत छोटी सी बात है हम सबके लिए, गधों पे अपना दिमाग अपनी एनर्जी बिल्कुल मत लगाइए। किसी से बहस करने से पहले ये जान लीजिए कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह हमारी बात को समझेगा भी या नहीं। क्योंकि गधों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, हमें खुद को ही समझना पड़ता है।